आप लोगों की स्पेशल डिमांड पर ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों मैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। कोई भी कपल एडल्ट किसी भी प्राइवेट प्लेस पर संबंध स्थापित करता है तो क्या वह अपराध करता है, क्या उसके लीगल अधिकार है, क्या पुलिस उसके खिलाफ कोई एक्शन ले सकती है, अगर पुलिस उस प्लेस पर आ जाए तो किस तरह से आप सिचुएशन से डील कर सकते हैं, और या फिर अगर पुलिस ने आपके खिलाफ कार्रवाई कर दी है तो पुलिस को भी आप किस तरह से सबक सिखा सकते हैं, और उस जो कार्रवाई आपके विरुद्ध हुई है उसका भी आप कंपनसेशन कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगी, जिससे आपके साथ कभी गलत नहीं हो सकता। तो सबसे पहली बात, भारत का संविधान आर्टिकल 19 क्या कहता है कि संपूर्ण भारत में आप कहीं भी आ जा सकते हो, आपको संपूर्ण आज़ादी है। दूसरी बात, भारत का संविधान का आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। अब बात आती है कि कोई कपल जो एडल्ट हो, एडल्ट का मतलब हो गया बाले होना चाहिए केवल, 18 प्लस, अब कितने बड़े हो आप उससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, 18 प्लस होना चाहिए, तो ऐसी स्थिति के अंदर आप किसी भी प्राइवेट प्लेस पर आप दोनों की सहमति से संबंध बना सकते हैं, कोई इल्लीगल नहीं है। अब इसके लिए कोई होटल हो या कोई प्राइवेट निजी स्थान हो, पब्लिक प्लेस पर इल्लीगल है, तो प्राइवेट पे मैं जोर इसलिए डाल रहा हूँ कि आप इस चीज़ को पकड़ लें। अब दोस्तों मान लीजिए कि आप किसी होटल में जाते हैं, जब भी कोई व्यक्ति होटल में जाता है तो ऐसी स्थिति के अंदर होटल के जो रिसेप्शन है उसकी जिम्मेदारी है कि वो आपकी आइडेंटिटी ले, आइडेंटिटी प्रूफ ले, एक कॉपी दे गया आप साइन करके उसके अंदर। आमतौर पर क्या करती है रिसेप्शन में होटल वाले, एक व्यक्ति की ले लेते हैं और उसके साथ में जो आया उसका रिलेशन उसके अंदर लिख देते हैं और रीज़न लिख देते हैं कि किस वजह से आप होटल में आए हो। तो एग्जांपल के तौर पे आप दोनों कपल्स हैं, आप जाते हैं, लड़के ने दे दी आईडी, अगर लड़की की मांगते हैं तो लड़की भी दे देगी, जैसे लड़के ने दी आईडी तो एग्जांपल के तौर पे वहाँ पर ये लिखेगा भाई आपका रिलेशन, अगर आप एक ही कंपनी में काम करते हो तो कलीग्स लिख सकते हो, एक दूसरे को जानते हो तो फ्रेंड्स लिख सकते हो, बस। और ज़्यादा अपन को इस तरीके की बात डालने की ज़रूरत नहीं है कि हम पति पत्नी हैं, अगर हम फिजिकल होने आए हैं तो इसका मतलब ही नहीं है कि हम वहाँ पे लिखवाएं पति और पत्नी, क्योंकि अगर मान लो पुलिस आ जाती है तो उस आधार पे आपके विरुद्ध कार्रवाई कर देगी, आपने लिखवाया ही गलत है जानबूझ करके, भ्रमित करना चाह रहे थे आप, तो इंटेंशन क्लियर है, हम फ्रेंड हैं, किस लिए आए हैं, घूमने के लिए आए हैं, इस तरीके का आप लिख सकते हैं उसके अंदर रीज़न, और किसी काम से आए हैं तो वो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अब बात आती है कि आप लोगों ने होटल ले लिया, होटल का एक कमरा ले लिया, रूम ले लिया रेंट के ऊपर, तो ये रूम जो है ये आपका प्राइवेट प्लेस है। अब इसको प्राइवेट प्लेस में काउंट करेंगे हम, और इस प्राइवेसी के अंदर कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता, आप सेक्सुअल रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। सिचुएशन अब मैं बताता हूँ आपको कि मान लीजिए इस स्थिति के अंदर पुलिस उस जगह पर आ जाती है, तो पुलिस आने के बाद आपको बाहर बुलाती है या अंदर आती है, तो पुलिस आपसे कुछ सवाल जवाब कर सकती है, क्योंकि पुलिस इनिशियल इंक्वायरी तो कर ही सकती है, तो उसमें कुछ सवाल आपसे पूछ सकती है कि भाई आपका नाम, दोनों का, कहाँ के निवासी हो, बिल्कुल आपको बताना है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। गलत बताते ही पुलिस अरेस्ट कर सकती है, करने का अधिकार रखती है, तो गलत नहीं बताना, और ना ही आप नाम पता बताने से इनकार कर सकते हैं, तब भी आपको अरेस्ट किया जा सकता है। 42 CRPC में प्रोविज़न है, पुलिस के पास पावर है कि वो आपको गिरफ्तार कर लेगी गलत नाम पता बताने पर या नाम पता नहीं बताने पर भी, तो इसलिए बताना तो होगा आपको। आप ये भी बोल सकते हैं कि सर ये हमारी आईडी कार्ड है, आप देख सकते हैं, और ये इसकी कॉपी ऑलरेडी हमने रिसेप्शन पर दे दी है, आप वहाँ जा करके चेक कर सकते हैं। अगर पुलिस बोलती है कि आप इल्लीगल एक्ट कर रहे हो, तो आप पुलिस को ये बात बोलेंगे कि साहब हम कोई इल्लीगल एक्ट नहीं कर रहे, कोई गैरकानूनी काम हम नहीं कर रहे, हम दोनों एडल्ट हैं, बालिग हैं, और हम हमारी इच्छा से यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं। तो पुलिस अगर आपको डरा करके डिमांड करती है पैसे की तो भी गलत है, पुलिस आपको अगर अरेस्ट करती है तो भी गलत है। अब पुलिस आपको देखो या तो वेश्यावृत्ति का एक्ट लगाने की बात करेगी कि आप वेश्यावृत्ति कर रहे थे, उसके लिए पैसे का लेन देन, लेकिन इतना आसान नहीं है वेश्यावृत्ति का आपके ऊपर आरोप लगाना, क्योंकि एक लड़की को आप वेश्या बता दोगे इतनी आसानी से पॉसिबल नहीं है। तो पुलिस क्या करती है, 151 CRPC का पावर का यूज़ करती है,
अब जब भी किसी व्यक्ति को पुलिस 151 के अंदर गिरफ्तार करेगी तो उसमें रीज़न लिखेगी कि भाई यहाँ पर इस तरीके का इन्वायरमेंट, मतलब शांति व्यवस्था ख़राब होने की संभावना थी, इस वजह से मैं इसको अरेस्ट कर रहा हूँ। इस तरीके का रीज़न लिख के लेके जाएगी कि मतलब शांति व्यवस्था बिगड़ सकती थी। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको जब SDO के समक्ष पेश किया जाएगा तो आप उसी टाइम उस मजिस्ट्रेट से कहेंगे, कार्यपालक मजिस्ट्रेट से, श्रीमान मैं और ये लड़की, हम दोनों फ्रेंड्स हैं, हम दोनों उस होटल के अंदर घूमने के लिए गए थे, इन्होंने आकर के ज़बरदस्ती में गिरफ्तार किया है गलत तरीके से, इल्लीगल वे के अंदर। आप बोलो, क्योंकि डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। और अगर किसी व्यक्ति ने आपको गिरफ्तार कर लिया है तो ऐसी स्थिति के अंदर उस पुलिस वाले के खिलाफ आपकी गर्लफ्रेंड से लिखवा दें आप कंप्लेंट, या खुद आप खुद भी करवा दें। आपको गलत तरीके से जो गिरफ्तार कर रहा है उसके लिए हम कौन सी अच्छी बात लिखेंगे? हम भी ये लिखेंगे भाई इसने हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया, इसने मेरी आप लड़की जो है वो कह सकती है कि भाई मेरा हाथ पकड़ा, गलत छेड़छाड़ की, और इसके अलावा पैसे की डिमांड की, इसका एक इस्तीफा सा टाइप वो लगा दो कोर्ट के अंदर, 166A और 166 IPC, इसके तहत तो आप लगाओगे, लेकिन इसमें आप एडिशनल चीज़ें लिख सकते हैं, जो भी उसने आपके साथ एक किया, गाली गलौज भी करते हैं नॉर्मल वे के अंदर, लिख दो। हाथ लगाया है लड़की के तो वो भी लिख दो, नहीं लगाया तो भी लिख देते हैं वकील, तो समझे इस बात को। तो क्या है फिर, वो आदमी उल्टे पैर आएगा चल करके, उठा के कार्रवाई तो कर दी उसने, लेकिन उसको कार्रवाई करने का अधिकार नहीं था, क्योंकि ना तो आप वेश्यावृत्ति के अंदर कर रहे थे कोई एक्ट, ना आप कोई वहाँ पर माहौल ख़राब कर रहे थे, और ना ही आपने ऐसा कोई काम किया जिसमें आपने नाम पता या नहीं बताया हो या गलत बता दिया हो। आपने तो सारी चीज़ें जिस तरीके से मैं बता के चल रहा हूँ उस तरीके से कर रहे हो, तो यू हैव राइट टू फाइल अ केस अगेंस्ट पुलिस। और उसके अलावा आप रिट लगा सकते हैं, आपको एक दिन का इलीगल डिटेंशन जो हुआ है ना उसके लिए कंपनसेशन के लिए भी जा सकते हैं, और जो 151 की कार्रवाई है उसको चैलेंज करेंगे आप कि भाई गलत तरीके से गिरफ्तार किया है। अब चैलेंज करने के लिए क्या तरीका है, आप उस रजिस्टर्ड जहाँ पे आपने होटल लिया था किराए से, उसका जो रूम लिया था उसकी आपको लेनी है RTI के तहत उस दिन की डेट की रजिस्टर की फोटोकॉपी, प्रमाणित प्रति लेनी है आपको, सर्टिफाइड कॉपी मिलेगी वहाँ से, आपको मोहर लग जाएगी उसकी, बंदे के और मैनेजर के साइन होकर के आपको मिल जाएगी वो कॉपी। तो ऐसी स्थिति के अंदर उसको आप इस्तेमाल करेंगे कि साहब ये देखो यहाँ पर मेरा नाम पता लिखा हुआ है, ये मेरी आइडेंटिटी है, ये मेरी एज है, ये मेरा रिलेशन है उस लड़की के साथ जिसके साथ मैं था, ये लड़की ने अगर कंप्लेंट की तो लड़की बोलेगी कि साहब ये हमारा सारी डिटेल्स है, ये लड़का जो है इसके साथ मेरा रिलेशन क्या है, फ्रेंड है हम, कलीग्स हैं हम, जो भी हमने लिखा उसके अंदर। इसके अलावा विजिटिंग रीज़न क्या था कि हम घूमने फिरने गए थे, ये सारी चीज़ें लिख करके हम ये जो रिकॉर्ड है ये कोर्ट में पेश करेंगे। इसके बावजूद भी पुलिस हमें किस आधार पर गिरफ्तार करती है, जब सारी डिटेल हमने रिसेप्शन पे दिए तो वहाँ से भी तो चेक की जा सकती थी सारी डिटेल को, और इंक्वायरी करने में कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन गिरफ्तार नहीं कर सकती आपको पुलिस, करती है तो ये तरीके आप अपना सकते हैं, पुलिस के ऊपर भी केस कर सकते हैं, और अपनी रिट लगा करके जो गिरफ्तारी हुई है उसको चैलेंज करके कंपनसेशन भी जनरेट कर सकते हैं। और नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है जिसमें कंपनसेशन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। देखो लीव इन रिलेशनशिप अलाउड है इंडिया के अंदर, तो आप कहीं भी आ जा सकते हो। मैंने ऑलरेडी बताया काफ़ी वीडियोज़ के अंदर, एक जजमेंट बताया था मैंने आपको पायल कटारा वर्सेज सुपरिटेंडेंट ऑफ नारी निकेतन, इसके अलावा मैंने आपको एक जजमेंट बताया था छिलम्मा वर्सेज थिलम्मा का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही कि भाई समाज की नज़र में यह गलत हो सकता है लीव इन में रहना, अपनी मर्जी से किसी के साथ संबंध बनाना, लेकिन कानून में यह गलत नहीं है, तो कानून में जो गलत नहीं है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करके दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ, ऐसे वीडियो देखने के लिए आप फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।